ये पंडित लक्ष्मी चंद जियों की जो बातें हैं ना, जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कहा और जितना भी लगभग सारा तो गोट के भी रखा है, जो ये प्रणाली है ये गंगादास की प्रणाली है, शंकरदास की नहीं है। तो यहाँ तो पहले संगी होया था एक दीपचंद जट्टी का, हूँ बिला रखे लेना है बिला चंबोले सुनना आया हूँ। ऊड़े उससे उनके मुँह दिन लिखड़ गई कि भाई तन सांग सीखे मेरे दर है हर तू गुरु बना रहे मन सिंह ने दारू पी ले बिला मेरे हर जहर है बिला जहर ना है दुआई है जहर जहर ना क्या गर्म होया। वो मामा ने बन जाएगी बहू ब्याह दी, वो गलत शिक्षा थी, मतलब उसको पारा दे दिया गया था और पारे में उसका ब्यौत खराब हो गया था, पारा मार देगा फूट के निकलेगा गात में। उसने कुछ दिन मतलब अपना कुएं में कटोला घेर गया जेवड़ा बांध के खुटेगा और उड़ा भीतर अपनी आवाज़ भी देखी, आवाज़ में भी खराबी आ गई थी उसकी। अरे मन पर दो बकई है दादा गु खाने और तीसरी बाजी कूद गया तकत पर तो लोग बेतरा कह रहा दो पाड़े हुए दादा गु खाना। ये न्यूका आगर थे उस टाइम के ऊपर, वो ऐसा ब्राह्मण था जो जाट भी होता ना और पंचायत्याम जो जान लायक जनता और गलत नहीं कह सकता। सारे भैया राम राम भाई, अभी मनु मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूँ आपका भाई पवन मलिक। तो अब हमारे साथ जुड़े हैं राममेर बाबा जी। बाबा जी के बारे में मैं बता दूँ, बाबा जियों ने जैसे पंडित लक्ष्मी चंद जियों की जो बातें हैं ना, जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कहा और जितना भी लगभग सारा तो गोट के भी रखा है पंडित जी ने सब क्या हैगा मतलब लगभग पता है। तो इसी सिलसिले में हम जैसे आज बाबा जी से मिलने आए हैं और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं राममेर बाबा जी से। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बाबा जी स्वस्थ हो? हाँ ठीक चल रहा है, काम इतने तो स्वस्थ नहीं है, सांस से तो डलना के लिए स्वस्थ नहीं रह रही। बाबा जी कितनी एज होगी? मैं हो गया 72वें साल में चल रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 71वें में हूँ, असलियत में 72वें में हूँ। बाबा जी कितने पढ़े लिखे हो? बामा दा 9-10 साल गया, 10-11 के बात तो नहीं पढ़ा के माँ के 10-11 तो बतेरे। हाँ बस ठीक है चल रहा था, अपनी खेती बाड़ी करी फिर नौकरी ना करेगा कोई? कोई नौकरी ना करेगा। तो बाबा जी बच्चे हैं, परिवार है पूरा? हाँ दो लड़के हैं और एक बहू एक्सपायर होगी, पोता एक्सपायर हो गया एक, और उसका एक लड़का है ये अंकित है वो ब्याह दिया, उसका एक लड़की है। अच्छा बाबा जी सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपने बखमा बाणा ये क्यों ले लिया, आपके ये क्या मन में आई है? सही भैया ऐसा था जी कि जैसे हमारी पुरानी परंपरा थी अकबर 50 के बाद बाणप्रस्थ को चले जाओ और 75 के बाद फिर संन्यास को चले जाओ, तो 100 साल की तो गारंटी है ही नहीं किसी की। हमने फिर 45-40 के बाद कर लिया ये काम अपना इस माँ आगे। फिर इसका रूल भी ये बनता है कि भाई पति पत्नी साथ जाओ, ये वो गई नहीं बेचारी, मैं क्या करूँ फिर उसको क्यों परेशान करें। फिर मैं कुछ दिन बाहर भी रहा, कुछ दिन बाहर रहा मैं करनाल के एरिया में रहा, फिर मैं अब नहीं रहता। अच्छा बाबा जी मतलब परिवार ने जैसे जब आपने ये सोची आपने घर विचार कराया तो घरवाले ने मना नहीं कराया? नहीं घरवाले ने तो घरवाले तो मना ये भी करें अगर यू बाणा है तार दे माँ बाप थारा क्या फ़र्क पड़ा, ये तो कपड़े हैं इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कपड़े की भी एक खासियत हो आकर जो हमारे ऋषि मुनि जो ये वस्त्र पहरा करते तो ये इस बाणे का जो वस्त्र है ना इसका रंग है ये आग्नेय वस्त्र माना जाता है। आग्नेय मतलब अग्नि जैसा जिसका रंग हो, अग्नि जैसे लोहा है सोना है चांदी है तांबा है पीतला गड़ा का पानी कर देना, इसी तरह जो हमारे शरीर में विकार है ना वो उनको न्यू फूक दो। इस माने की ये पहचान है कि भाई इस पहचान को देखो जो तू पहन रहा है गलत काम ना करे, इसका ध्यान करे क्योंकि 24 घंटे शरीर पर रहेगा। कान में अपने बाबा की दरिया वो कुछ नहीं, अगर वो बड़े बाल और वो कुछ लटाएं बढ़ाना वो बकवास की बात नहीं है। हमारे ऋषियों ना कदे कान पढ़ाए, ये 1200 साल से उरेंत चल रहा है काम, पहले किसी ने कान नहीं पढ़ाए ना कोई ये पीछा लगाव था। जैसे गोरखनाथ जी थे उसका नाम था गोरखनाथ, भरथरी उसका शिष्य बनया तो भरथरी ये कहा, गोपी चंद उसका शिष्य बनया गोपी चंद कहा, पूर्णमल उसका शिष्य बनया पूर्णमल कहा,
आज बदलते हैं नाम लोगों के। ये बाबा जी ने जो प्रथा बनाई है ये पुरानी नहीं है, पहले नहीं थी। ये तो 2078 साल हुए इसने विक्रमी संवत ने बरसरी है, उसी टाइम पर थे विक्रमी संवत है, बरसरी का भाई था विक्रम, और तो कोई बड़ी बात थी नहीं। अच्छा, तो जैसे आपने बाणा ले लिया, आप बाहर चले गए, हाँ। तो फिर वापस घरवाला ने प्रेशर कर दिया आ जा, या अपने मन से? घरवाला का नहीं, मतलब भाई जो जैसे मेरे बच्चों की माँ थी, भाई मैं न्यू भी देखो ना, वो परेशान हो जैसे हमारे अकेले का फर्क नहीं रहता। तो फिर मैं फिर छोड़ दिया, मन बाहर रहना, मैं कुछ दिन बाहर रहा, फिर मन टाल के आश्रम वगैरह में, हाँ मतलब मंदिरों में रहा मैं कई जगह। अच्छा, फिर जो यो सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में अध्ययन करना, उनकी बातें को याद करना, ये चीज़ें आपके मन में कब से आई? ये आई कम से कम भी 25-30 साल पहले आज से, क्योंकि पहले हमें इसके मांगेराम जी के सांग देखे हर दिन, लक्ष्मी की बातों का यहाँ कोई शौक नहीं था, ना को उसका चेला आवा था, क्यों एक सुल्तान था वो जल्दी गुजर गया था, उस टाइम हमने इतनी शुद्ध बुद्ध ना थी। फिर मंगिए के चेले जनपुर गए हार थे आड़े पन्याणे, हर साल उसके सांग देखे आ गए। फिर बाद में मतलब हमारा ही शौक लगे कि पिंड जी की जो बात है लक्ष्मीचंद की वो बात सही है, वो असंभव बात नहीं है, ऊट पटांग। जैसे ये कई कवि बना दिया, देख भाई चार सभा चले, एक देश को एक पुरुष तीन नारी हैं, चार सभा स्वभाव, चार स्वभाव चले एक देश को एक पुरुष तीन नारी हैं, पहली सखी ने दिया फटकारा, पल में जगत मोह लिया सारा, ना छोड़ा कोई सूरज चांद सितारा, तुरंत बदलती भेष को रंग सफ़ेद पीठ कारी है, चार स्वभाव चले एक देश को एक पुरुष तीन नारी है, दूसरी सखी ने फेरी माया, झटपट पहाड़ गोद मठाया, गिर गया पहाड़ पता ना पाया, मेट मरे अंदेश को ये बाट व्यक्त बड़ी भारी है, चार स्वभाव चले एक देश को एक पुरुष तीन नारी है, तीसरी सखी पूर्व ने चाली बिन भूख लाख मन जन्य काली, वह भी पांच तत्वों में आली, न्यो खड़ी रगड़ दी शेष को, 9 करोड़ सती सारी है, चार स्वभाव चले एक देश को एक पुरुष तीन नारी है, चौथा पुरुष बड़ा रणधारी, जिसने 68 भुजा पसारी, जो कोई खोल कथना मारी, शर ढलके चौर गणेश को, रवि स्वरूप गंग जारी है, चार स्वभाव चले एक देश को एक पुरुष तीन नारी। ये रवि स्वरूप निंदाणी के हार दिया पिंड जी था, यू फिर यू बाबा जी बन गया था गोविंद गिर के नाम से, उड़ रहा यू गक्षिण। तो अभी इन बत्ता कौन सा होता वो ले हो, मतलब के काट है, कौन सुबह है, के रोड़ा है, के ना है, ऊट पटांग बात हुई, लक्ष्मी की कोई ऐसी बात नहीं, सही शब्द थे, सही उनके अर्थ थे। अच्छा, जो किस्से जो कथाएं दादा लक्ष्मीचंद जी ने लिखी, जो बनाई, जो गाई, आप क्या मानते हो सारी सत्य थी? नहीं, अपनी बनाई और भी थी, काल्पनिक भी थी। हाँ, जैसे पद्मावत की थी, एक जगह काल्पनिक है, एक जगह सच्चाई भी है, क्योंकि वो भागवत की तरफ आओगे तो सच्चाई है, लेकिन उसमें किसी के नाम गाम नहीं, उसमें जीव है, आत्मा है, प्रकृति है, परमात्मा है, गुण है, ये वो गुण हैं जिससे सृष्टि की चीज़ों का ज्ञान होता है, प्राण है, उपप्राण है, आत्मा है, भाई 6 विकार हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, मतलब सांस हैं शरीर में, बन नाड़ी नबज हैं, 72,72,106 नाड़ी नबज हैं। तो ये सांग समझ में नहीं आया पिंड जियों का, भूप पुरंजन के नाम तो शुरू कर आयु, एक बार का आयु समझ में नहीं आया, फिर उसने नाम बदल दिए, उसका नाम रख दिया पद्मावत, प्रकृति का नाम पद्मावत कर दिया, रणवीर सेन नाम कर दिया जीव का, और चंद्रदत्त दर्दिया वजीर जो बनाया उसका वो एक ब्रह्म मान लिया, क्योंकि राजा वजीर की आज्ञा नहीं ले सकता, चंद्रदत्त की आज्ञा लेकर झट भगवान बनाया, चंद्रदत्त वजीर वो राजा, तो वहाँ उसको ब्रह्म मान्या है, उसकी 5 सखी है, कर्म इंद्री है, ज्ञान इंद्री है, एक जीव आत्मा है, 5 प्राण हैं, प्राण पान ब्यान ध्यान समान 6 उपप्राण हैं, नाग कुरम कृकल देवधन जय और जीव आत्मा। इस तरह उसने फिर ये इसके शरीर का नाम रतनपुरी बना दिया, राजा का नाम और कुछ दर दिया, इस तरह वो फिर यू न्यूनत है काल्पनिक। अच्छा, आपने कितनी कथाएं, कितने किस्से लगभग याद करे?
बनो था ये भी जो करे चाप सिंह का था, मीरा का था, इब तमरा नहीं याद रह रहे, बताया ना कि भाई वो गड़बड़ हो गई थी मेरे साथ। हाँ जो जो हादसे तो थोड़ा सा माइंडली अपसेट हो गए, दो ढाई साल हो गए। नहीं तो जैसे मीरा का था, चाप सिंह का था, पूर्णमल का था, हरिश्चंद्र का था, लकड़हारे का था, इसका पद्मावत का था, ताराचंद का था, तो और कौन सा रह गया, ये सांगमरे याद थे, हरिश्चंद्र का था, पांडव के थे। अपने इनमें सबसे उत्तम, सबसे उत्तम, सबसे अच्छा और इनमें से आपका सबसे पसंदीदा कौन सा था? मेरे तो हूँ तो अशाब ने देखा सारे थे, लेकिन बढ़िया मजा ताराचंद के में या लकड़ारे के मारा। अच्छा, जो ताराचंद का जो किस्सा था, क्या वो भी बनावटी था, क्या वो भी कल्पना थी? ऐसा सुनने में आया है, अगर वो शायद उसने बनावटी अपना खुद गढ़ा हो। अच्छा, दादा लक्ष्मी चंद के बारे में आपने अध्ययन कराया, क्या आपने उनको देखा था? ना, मैं उसके मरने के बाद आया। अच्छा, तो उनके बारे में आपने विचार तो करे, लोगों से बातें करी, मिले, उनको अध्ययन कराया, आपको क्या लगता है कैसे गाने वाले, कैसे कवि तो देख सिरमौर टॉप क्लास थे, वो तो सबने दिखा है, गाने वाले उनका गाने का लहजा, उनका बात करने का, वार्ता करने का लहजा, सांग करने का लहजा कुछ आपने सुना, लोगों से जाने? लहजा किसका बताऊँ, मन वो तो पिंड जी देखे नहीं, अकबर मैं उसके लहजे ने पकड़ूँ। बाकी जो गाने वाले थे बस सतवीर मास्टर था या यू पाले था, भाई इन आगे में स्वाद सा आया मन बत्ती और नहीं आया मन किसी को। अच्छा, उसके बाद आपने इतना अध्ययन कराया, इतना इतनी बातें आपने याद करी, तो आपने गाया भी, कि मन में आया कि मैं भी भाई कोई रागनी प्रोग्राम या कोई सांग या कुछ इस तरह आगे? ना, गाने की तो मेरी आवाज़ नहीं थी और बात बात में पूरी कथाकार था। अच्छा, जैसे बैठे हैं आप कमरे में, बैठक में, कि तो पोड़ी में या सभा में बैठे हो, तो क्या आप सुनाया करते? हाँ, मतलब पूरी गाड़ के बीच में खड़ा होगा, मैं खड़ा होगा कार कथा, मतलब एक 10-15 फुटका वो बिछवा गया और उसके ऊपर केला घूमगा कार का मैं, पब्लिक पब्लिक इकट्ठे हो जाती खूब पूरा हरिद्वार, कई कई हज़ार आदमी हो जाए हरदे इकट्ठे हरियाणा टापू पर, रोजाना की रोजाना हो हरदे। तो मुंजबानी का हरदे माइक वगैरह लगा? मुंजबानी का हरदा माइक वाइक मन नहीं रखा कदे। अच्छा, जो आपने ये चीज़ें याद करी, तो क्या तरीका अपनाया, कैसे टाइम निकाला करते, क्योंकि 18-20 किलो गया, पर अपने आपको जमींदार भी बताओ दे। उसमें ऐसा होया कि भाई ये बच्चे फिर काम करने लायक हो गए, पहले तो मैं वो भी याद कर लिया था उड़ा और भी कर लूँ था, मन तो याद क्यों शौक सा था है मैंने, पहले तो था महंगे की बात शौक, लेकिन फिर वो सच्चाई देखी ना जो, और बढ़िया देखी, व्याकरण बात थी और ना ऊट पटांग थी कोई, वो मन पिंड जी की लागी लक्ष्मी सिंह की, फिर उसका शौक मन बनया, फिर उसकी रिसर्च पर भी ये जो लक्ष्मी नारायण थे ना मजरे वाले जिन्होंने वो ग्रंथ लिखा उनके ऊपर, फिर मेरी उसकी भी मिलान हो गया, कहाँ होया मेरा ध्यान नहीं, फिर पानीपत में कई बार हो जानते इकट्ठे, कई बार मतलब अरफा के ऊपर बड़ी इज्जत लायक जनती, वो कहता ये शब्द ये गलत आ रहा है, वो कहता यू लागेगा, मैं कहता मगा यू नहीं लागेगा, यू लागेगा, उस पर कई बजत हो गए, फिर आधा आधा घंटा लग जाता। तो कितने दिन लगे ये सब याद करने में, लगातार लगातार करते रहे? बस न्यू ऐसा सज करते रहे, एक बार जो चीज़ याद होगी तो हो गई, बनो था पहले तो रहे थी याद, लेकिन ये भूल गया मैं, इब ना तो कई जन थी ना शौक रहा लोगों ने, इब तो बोल गया मैं इब कलो ही गया दिने से, एले उड़े दो एक बात हुई, नहीं तो लोगों ने शौक नहीं रहा, अरे हरिद्वार भी नहीं जानता मैं, नहीं तो मैं पहले हरिद्वार हर साल जा रहा और रोजाना कथा का आता हूँ। गांव में भी कई कदयाड़े? गांव में भी एक बार कई, दो तीन बार कई होगी गांव में। तो गांव का एक बार मैं चाहूँगा पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दियो। गांव का? हाँ, अपने गांव के बारे में बताओ, आप कहाँ से हो? मैं तबरा मणकुल से हूँ और मेरे पिताजी का नाम लेखराम था और मैं अकेला हूँ अपने बाप के, मेरे चाचा के हैं तीन लड़के। गांव मेरा सालारपुर माजरा पन्याने के पास। अच्छा, जैसे जब आपका सब कुछ याद आ गया, बातें कंठस्थ होगी, सब कुछ याद हो गया,
तो क्या डिमांड आने लगी के बाबा जी आओ हमें कुछ सुनाओ। खूब आज भी आती है, आज भी 30-40 जगह ऐसी है मेरी यूपी तक है, मतलब तकरीबन यो कहा जी आते नहीं कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, चाहे 6 महीने हुए हों चाहे 2 महीने हुए हों, जब भी नो कहेंगे क्यों नहीं आते, कितने दिन हो गए। बहुत ऐसे गांव हैं, मतलब 30-35 जगह ऐसी हैं जहां आदमी मतलब खूब इंतज़ार करते हैं। अच्छा, जब अच्छी याद होगी सुनान लगे, सब आया मजाजा सुनान लगे, हरिद्वार जाकर सुनान लगे, तो क्या साई बजाया करते हैं, जैसे पैसे लेते या कुछ? नहीं नहीं, मजा मुँह सुना हरदा। अच्छा, इनाम आ जाता वही उड़ा हरिद्वार कुछ कर दें थे थोड़ा बहुत है। मन वैसे पीछे के लिए नहीं करे, स्पेशल बुला लिया यूपी में बाबा जी आओ, स्पेशल जा रहा मैं तो वो ना पैसे कोई वो नहीं ना, मन पैसे वैसे के लिए नहीं जाता मैं, एक आध जगह मन पैसे के लिए खुद भी कहा। वो के कारण रहा? वो आड़े कटे उड़े जा रहा था मैं दिल्ली में, आई करो तो मस्त था, वो बोला जी न्यू सुना दो, दूसरा बोला जी ये सुना दो, तीसरा बोला ये सुना दो, चौथा बोला ये सुना दो, 5-6 मास्टर इकट्ठे हो गए उड़े मेरे दौरे, मतलब ऊँ गया था उस तो मेरे उन्हें कट्ठे उड़े जाना था मैं बोला भाई मगर पीछे लागे पीछे फरीम नहीं सुनाऊंगा, जो थारे प्रिंसिपल का वो है ना स्केल मैं उससे ज़्यादा लूँगा। उन्हें दिया, फिर दिया उन्हें, मैं 1.5 घंटा बोला था उन्हें, उस टाइम पर 350 रुपये कितने दिए थे। अच्छा, तो फिर उन्होंने मेरे को कराया नहीं वाइट, प्रिंसिपल कह रहा जी 2-3 महीने में चक्कर लगा दिया मगर नहीं उन्हें हारता, मैं गया भी नहीं कदे। अरे बिजल प्रिंसिपल ने कहा था सतपाल आरिया ने, अगर मारा जी कल आ जाओ शनिवार है, मगर भाई मैं हूँ सुनाना रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा बिना नाम पैसे देंगे, मगर मैं आऊँगा नहीं, मैं नहीं गया और रिटायर हो गया था, न्यू नहीं जानता मैं, भगवान की दात मौज से मेरी भी यह 2500 पेंशन मिलने लग रही, मेरे बच्चा बढ़िया काम चल रहा है, मन पीछे ही जरूरत नहीं थी, मेरे पास पैसे रहे हैं। बाबा जी जैसे याद होगी सारी बात बार भीतर सुनान लगे, अक्सर मतलब डिमांड दूसरे कवे की भी आ जाया करती, भाई आज तो बाबा जी मेर सिंह की सुना दे या मंगे की सुना दे या किसी धनपत की, ऐसे भी कभी हुई? ना ना, उनने कदे ऐसी नहीं करी डिमांड, क्योंकि उन्हें तकरीबन ये पता था कि भाई ये लक्ष्मीचंद की बात जा रहे हैं, तकरीबन आने पता लग जाता, मैंने तो मंगे की भी कदे याद नहीं करी इसी। तो आपने जैसे भाई एक आध बात न्यू हो जा हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी मेरे याद नहीं हुई कोई सी भाई, चाय बनवा ले आपने। नहीं, एक बार बैठ जाओ। आपने जैसे दादा को इतना अध्ययन कराया है तो उनके जीवन के बारे में कुछ, उनका जीवन परिचय तो आपने मेरा तो पटाया होगा भाई, क्या जन्म, कब जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कौन उनके गुरु थे, कैसे कैसे उनका काम धंधा चल रहा, जैसे भाई जो उनका सांग का बिजनेस था उनका जी ऐसा था, यहाँ बहुत पहले हुए शंकरदास जी यूपी के थे, और एक उसकी साथ हुआ गंगादास, वो भी यूपीए का था, और वो दोनों एक गुरु के चेले थे। जो ये प्रणाली है ये गंगादास की प्रणाली है, शंकरदास की नहीं है। नहीं जी। फिर इसके जो गुरु थे वो मान सिंह थे, लक्ष्मीचंद के, मान सिंह के गुरु मुआसीनाथ थे, और ऊपर ये था ये यो बता गंगादास, ये गंगादास की प्रणाली है, ऐसा था। फिर इनका मतलब 1903 का जन्म था इनका, पंडित लक्ष्मीचंद का, तो यहाँ तो पहले संगी होया था एक दीपचंद खंडे वाला, तो ऐसा आया कि भाई दीपचंद कितना नहर पूछ लेने जा रहा था अपना पूरी ज्वार की, यहाँ नहीं होया था कुछ, और उधर से वो लेगा ना उसकी गाड़ी में बैठे आया था, ये 11-12 साल का था लक्ष्मीचंद, तो उसने के बेरा गाड़ी में बालक चढ़ रहा है, पच्चे का चढ़ गया कितने का उन्होंने, और उड़ा आए पता खंडा बेरा लग गया उन्हें, वो पूछ जाता जिक्री उन्होंने बताया मैं जाटी का हूँ, बिला रख के लेना आया बिला चंबोले सुनना आया हूँ, उस टाइम पर अग्नि नहीं थी, दीपचंद्र के टाइम पर चंबोले वार दे एक टेक दरक है, और पीछे फिर लेने 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 मन माना 10 आ जाए 15 आ जाए 20 आ जाए, और फिर ठाकवा जुड़ जा ना जुड़े ना भी जुड़े, ये चंबोले वार दे उस टाइम पर, तो बोला मैं चंबोले सुनना आया हूँ, फिर वो बोला ठीक है भाई, और उठी ले जाता खेत में टाइम से गए ऊपर वो सांग कर लेता अपने टाइम पर अपनी खेती कर लिया यार दे,
पहले सांगान को बुलाया भी नहीं करता, आप जा रहे खुद ब खुद और जमीन में सांग हुआ तड़े हूँ खड़े तकत पर तकत नहीं थे वो, पहले जमीन पर यार थे, फिर चौकी आ गई थी, मतलब ये 3-3 इंच 4-4 इंच ऊंची वे पटड़े है, वो पटड़े है बिछान लग गए फिर चौकी, फिर तकत आई बाद में। तो ये लखमीर के टाइम में ये रागनी आई है, मतलब सांग की जो मेन प्रणाली है। हाँ। जो दादा ने शुरू करी तकत पर करी ये, हाँ तक ना या पहले ही ने आड़े करी तड़े करी बाद में आई तकत है, उस टाइम पर को बुलाया भी नहीं करता सांगे। पहले तो जो पंडित लक्ष्मीचंद जी थे वो दीपचंद जी के पास आए थे, दीपचंद जो रहे नजान सा आ गया 11-12 साल का, फिर उसने रोज़ की रोज़ वो चंबोले सुना हुआ है, उसका 15 चंबोले याद हो गए, वो फिर उड़ा अपना गांव में गाए गया। तो लखमीर का कोई ऐसा वो था नहीं, जमीन का जरिया नहीं था, कोई नौकरी नहीं थी, बाप मरे रहा था, गरीबी काफ़ी थी, तो उड़े फिर मन सिंह आ गया युवा था भजन करने, फिर इन्हें देखा भाई उधर बढ़िया है चंबोलिया, तो भी बढ़िया करे चंबोलिया तो के मतलब आदमी गणे सुने हैं उड़ा था, वो इकला था ना खेत में चंबोले था, खेत में इकला सुन रहा था, और जोड़ जाता वो उड़ा चंबोला सुना देता एक उड़ा भजन सुने ना उसने, अब भाई एक आदमी द्वारा 50 आदमी बैठे, जनसंख्या थोड़ी थी ना उस टाइम पर, 50 आदमी बहुत हो जा रहे, फिर उन्हें उसका चेला बन गया, ये वो अपना गुड़ती हीरा खैर दर अपना भाई उड़ गया लांडे गया, फिर उस 6-8 महीने ऐसा ही रहा मन सिंह दौरे, फिर मन सिंह दौरे तो एक सोन था कुंडल का, खरखो दे पास कुंडल है ना, मन सिंह जी कहाँ के थे, मन सिंह बसोदी का था, बसोदी बड़ोली बसोदी ये जमुना तले, वो था कुंडल का सोन। दीपचंद जी कहाँ के थे, दीपचंद अड़े का खंडे का, दीपचंद खंडे का था। अच्छा, और सोल थे वो कहाँ के थे, सोन कुंडल का था, सोहन हाँ पिंड था वो भी, वो संगी था, वो सांग बना रहा जो दीपचंद बना रहा था ना न्यू, वो सांग का बेड़ा बना रहा था, फिर वो उसके बेड़े में लग गया, उसके सांग में फिर वो नाचन लग गया 2-3 साल बाद तले, पहले तो नचेगा बड़का ही डाला, फिर वो 3 साल में मतलब तरला जनाना हो गया, मैन ऊपर वो और तरला वो पार्ट वो करने लग गया पंडित लक्ष्मी से। हाँ फिर वो 6 साल रहा मतलब सोन दूर, फिर सोन जा रहा था बरेली जाट रेजिमेंट में सांग ले गए, उड़े उस सोन के मुँह तुम्हें लिखड़ गए कि भाई तन सांग सीखे मेरे द्वारा और तू गुरु बना रहा मन सिंह ने, तू मन ने क्यों ना बनता गुरु, उसका फिर सो उठा, अब वो उसका किसा भी था गुरु वो था, उसने अपने भगवान के जो मान लिया मान लिया मान लिया हो भाई, वो कुछ भी था सही, वो फिर रूस कौड़ी तो भाज गया, फिर वो 2-1 का टाइम सा होया जब वो सांग का मौका से दिया, फिर उड़े ऑटो आया वो पाया ही कोई नहीं, फिर एक शंकर दा सूबेदार है उड़े उस रेजिमेंट में रोहतक का था, तो उस द्वारा बैठ जा रहा और उड़े उसका नमूनिया भी हो गया था, उसने उससे दारू भी पिया दी थी, बोला दारू पी ले, बोला मेरे यार जहर है, बोला जहर ना है दवाई है, जहर जहर ना गर्म होया अगर है, गर्म होया अगर है और नमूनिया हो ठंडे उसमें, उसका वो नमूनिया टूट गया था, फिर वो शंकर द्वारा बैठन लग गया, फिर वो शंकर ने कहन लग गया बिला रे सूबेदार है वो तो कू गया भाई लक्ष्मी कित गया, बिला क्यों कुछ बात हुई, बिला बात न्यू न्यू हुई थी, बोले ठीक है मैं ले आऊँगा, ये बोले न्यू बेरा था रेली भी जानती है नहीं और बरेली जट्टी आओगा क्यों करो पाया रेल में आओगा उसे जरिए थे नहीं, वो फिर गाड़ी ले गुड़ा आया वो पा गया, फिर वो उसने शरत पर लिया कि भाई उन्हें न्यू कह दिए अग भाई ये सांग करा देगा गतरे सांग में नहीं आओगे भैया, बात फिर शंकर ने कह दी उसने, वो बोला रहा यू ये शान बतेरा यू आड़ा आड़ा करा दे उड़ा तो मैं और बालक नहीं पकड़ लूँगा अपने एरिए में, आड़ा दिस बिना काम खुन जाएगा, फिर उससे न्यारा पैट गया फिर। अच्छा फिर दादा लिखन कैसे लग गया, लिखा नहीं करता वो कदे तो अपनी उन्होंने कविताई जो बनाई वो ना उन्हें लिखना उन्हें कदे अपना नाम ना लिखना आया वो तो अपनी बना गए आप उसका यादगारी रह जाती फिर आप बना होता हो जो करीब कह दे ना कई बार मायचंद फोन ने बता दिया वो मायचंद कंता कई बार पिंड जी हमारा अपटो है ना
हरफ नहीं बनते, अगाड़ा हरफ कौन सा लगना चाहिए। और पिंड जी ने कहा दे लक्ष्मी चंद, मैं जब कविता बनाऊ ना मैं चंद धार सी लिखती दिखे हैं, न्यू हरफा के गधाके उठते दिखा, वो कह मन ला दे, वो कह मन ला दे, वो कह मन ला दे, बोला मन लाने जगह नहीं पानती कौन कौन से ना हो। तो उसका खुद ब खुद इतनी यादगारी रह जाती, जो बनावा था ना वो न्यू की न्यू याद रह जाती। फिर अपने चेलिया ने बता दिया था भाई याद करो, दो ब चार ब एक आधा पड्डिया और भी पा जा था जो करे, एक तो रामू था वो दो जमात पढ़ रहा था यूपी का था, वो टोडी का अरे नांगलो हिरा था हैं, और कौन था पढ़िया और तो ना होगा को। अच्छा आपको ध्यान है दादा ने फिर उड़े तो आए पाछे, हाँ आए पाछे फिर जाट रेजिमेंट में आने के बाद में आग अपनी पर्टी बनाई, अपनी पर्टी उसने पहले रागनी बनाई, रागनी बना के किस्सा बनाए उसने दो चार, ये जैसे हीर रंजे का था ये इसे इसे, गोपी चंद का था, शकुंतलार का था, कई किस्से बनाए उसने ये। फिर एक उसका गुर भाई था जल्ली नदी पर माजरेगा, जल्ले शंकेले जल्ली का हार दे उन्हें, फिर वो जल्ली ले गया पकड़ गए, बोला भाई जल्ली सर सांग का बेड़ा बांधेंगे, वो बोले हमरे हर सांग में तो गणे हो, वो बोला कोई बात नहीं न्यू हो जाए सर सर, ये वो तो सांग में रह रहा था ना उन्हें, वो जाना था वो कैया ने लिया आया ऊन अंत, इसलिए वो दो जने वह हो गए, फिर एक आधा और रल गया न्यू सर सर, वो फिर सांग लग गया करने। तो फिर कुछ दिनों बाद जली ने बोला भा मेरी कंधी बता दे, वो बोला भा ब्यों को ना लोगों का इतना पीछा नहीं है, जली फिर बोल के कल ही मान के लिखड़ गया था, जली श्राप दिया था उसने एग्जास उसे पूरा काग मरेगा, जली पागल हो गया था उसका न्यू नहीं बेरा के काग मर गया। फिर पंडित जी अपने सांग करने लग गए, खुद का ये बेड़ा बना लिया, फिर मशहूर संगी नामी जै जो पंडित लक्ष्मी चंद जी का जो नाम होया उसके ऊपर क्या कहोगे, कब होया कितने दिन? वो जब शुरू में उसने ये किस्से बनाए ना जैसे रघुवीर धर्म कोर का था, वो मामा ने बन जाएगी बहु ब्याली, वो गलत शिक्षा थी वो छोड़ दिया था उसने, हीर रांझा था भाई हमारा समाज अलाउ नहीं करता भाई माँ बाप की आज्ञा के बिना शादी करे, वो दो पागल हो गए छोड़ दिया उसने। वो गोपी चंद था, उसकी माँ कहने लगी कि भाई तू जोग ले ले, वो कहने लगे माँ 16 रानी हैं 12 छोरी हैं तू 28 जिया के लात मरवाओ राज से वंश का नाश हो जाएगा, लड़का भी कोई नहीं, वह ना मानी उसने बेचारे ने अपनी माँ के कहने तो ले लिया, 28 जिया का लात मारी वंश का नाश हो गया, पंडित जी ने छोड़ दिया हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सांग थे, वो 11-12 सांग थे ऐसे जो उसने छोड़ दिए थे। फिर जैसे चंद्रकरण गाय था भाई उससे तो ब्याह करवाया नाग देकर चंद्र प्रभा को हरवाई मरवा दी, न्यू भी ना मानी भाई तू बेवाइये इसने है और फिर भी मरवा दी, वह तो उनसे शिक्षा गलत मिली थी इसलिए वह सांग उसने फिर छोड़ दिए। वह छोड़कर जब ये सांग करने लग गया ना जैसे भाई तारा चंद का था, सत्यवान शावत्री का था, मीराबाई का था, चाप सिंह का था और लकड़हारे का था, इसमें पतिव्रत धर्म थे, समाज के नियम कायदे कानून थे, छोटे बड़े की लिहाज धर्म थी, अपने धर्मों का भी हिसाब किताब था, मतलब उसमें सारे पतिव्रत धर्म वगैरह सारे उसने बड़े बहुत बढ़िया लड़ा तो ले उस तो समाज को बड़ा फायदा होया कि भाई बड़े छोटे की भी लिहाज करो, औरत का भी हक बनता अपने पति को भगवान समान समझो, चाहे वो माँ बाप ने किसी का भी ब्याधी लंगड़े गए अंधे गए काने गए, मतलब वही उन अपने दिन काटे और उनके वंश भी चलाए। अच्छा जैसे भाई बहुत सारी अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयां भी उनके साथ जोड़ दी गई, क्या भाई पंडित जी तो दारू पिया करता? हाँ दारू पिया करते, वो दारू पीने लग गए थे, मतलब पहले तो उसने दारू वो मैं बताऊँ था उड़े दवाई ली थी, ली दवाई दूसरी बार फिर उसकी गेले घटना घट गई थी, मतलब उसको पारा दे दिया गया था और पारे में उसका ब्यौत खराब हो गया था, पारा मार देगा फूट के निकलेगा गात में, वो किसी ने उससे दारू जा बताई अगर दारू पी ले अगर जहर से बिला जहर ने जहर मारे आ रहा
वो तुक्का उसका लग गया, फिर वो भी पीने लग गया, वो ठीक भी हो गया और वो पारा भी निकल गया उसका। फिर उसने कुछ दिन मतलब अपना कुएं में खटोला घेर गया, जेवड़ा बांध के खुटे गया और उड़ा भीतर अपनी आवाज़ भी देखी, आवाज़ में भी खराबी आ गई थी उसकी, फिर आवाज़ उसकी काफ़ी सुधर गई। फिर बीच में उसने 8 महीने छोड़ भी दी थी दारू, 8 महीने दारू नहीं पी पीने जिया ने, बिल्कुल छोड़ दी थी। नूके हैं पंडित जी गाली भी दिया करते? नहीं, गाली वो जायज़ देता, न्यू गाली नहीं देता किसी को। जब 10,000 आदमी आंसुआ दे, एक आदमी बिगाड़े दो बिगाड़े तो गुस्सा आओ, एक दो बार समझाओ भी तक डिट जा। अरे कबरा था वो देवकरा में ओलाने का, ये तो ओलानिया खुद कहे वो भरतू कहता बिले मारे आगे बेत मारे दे दो, अरे मन पर दो बकई है दादा गु खाने, है दादा गु खाने, वो अड़द बाज गई गवाने फिर आ गया वो गौशाला में बनिया की में बनिया ने बुला लिया, वो अड़े फिर कह दी तीसरे कंतेर बतक पहली बाजी तो ऊँ कही, दूसरी बाजी गाड़ दी उसने और तीसरी बाजी कूद गया तकत पर तो लोग बेहतरा कह रहा दो पैड़े हो गए। दादा जो आपने कही ये क्यों कहा करते उन तक दादा गो खाना, ये न्यू कहा करते उस टाइम के ऊपर, वो ऐसा समाज था आज से 80 साल पहले 90 साल पहले ऐसा समाज था हमारा, जो जाट भी होता ना वो तो ब्राह्मण था, जो जाट भी होता ना और पंचायत्याम जो जान लायक जनता वो मतलब लहसुन और गंठा भी छोड़ दिया अर्दे खाना, क्योंकि समाज में बैठने से बदबू आती है, वो खाया नहीं करते क्योंकि इनमें दोनों चीज़ों में बदबू है, गंठे में और लहसुन में। और पिंड जी दारू पीने लग गए, पिंडित हो गए, न्यू छो उठा लोग आ गए, बोलने में कई बार गुस्से में गाली गुली भी दे देते, तो गाली देते वो जाए जो गाली नहीं देते ना वो नहीं देते गाली। उसके बाद उनकी टच में उनके जो सबसे प्रिय शिष्य रहे हैं पंडित माईचंद था, मांगेराम जी, चंदन था, नहीं मांगेराम तो था ऊँ कही है उसने, मांगेराम वाली बात ये हमारी समझ में नहीं आ रही, जो ऊट पटांग बना रहे उसने ये हिसाब लाया था उसका, माईचंद था, सुल्तान था, चंदन था, रामस्वरूप था, मंगे था और भी कई थे उसके, जोहर था और भी उसके कई चेले थे, थोड़े नहीं थे उसके चेले, ब्रह्मा था, धारा था, मतलब और भी थे कई। तो उसने वो न्यू देखा था कि भाई किस मानस में कितनी कीमत है, वो मंगे ने न्यू मान्या था कि भाई इसका भाग बड़ा ठाडा है, कुछ तो अच्छे घर में पैदा हो रहा था, मंगेर का ब्यों तो ठाडा था, मंगेया भाई खुद रामचंद्र मतलब राज्यसभा का मेंबर था उस टाइम पे, और वह पांचों भाई बड़े ठाडे थे, ये मंगे तो घर पंची आ गया था, चलो गोद आ गया था उधर, तो वो नहीं मानना था कि छोला सा मानस यू कुछ हिम्मत कर ज्यादा बढ़िया है, वो फिर इसकी गेल बिगाड़न लग गया था, कई बार जिसने काणा कार था एक कड़े यू एक आँख सीधा ब्यार था मंगे अगर भाई इस गेल बिगाड़ दे तो, और यू न्यारा हा पैट जाए यू कुछ बना ले ना, ये सारे चेले न्यू जाएंगे इनकी कोई सुनाई नहीं हो कितना न्यू कणिया नहीं पाओ, वह लक्ष्मी का भी कोई चेला था, तो यू इसने न्यू देखा था कि भाई इसमें करड़ सी है, भाग इसका अच्छा है, नहीं तो मंगे का आवाज़ नहीं थी ना, मंगे का आवाज़ केवल बैठे की थी, सांग की नहीं थी, हमने देख रखा है खूब। बाजे भगत को भी सुना है? ना बाजे नहीं देखे हमने, बाजे तो लक्ष्मी थी पहले मर लिया, बाजे ने हम कि देखें दे मंगे देखा हमने, लेकिन मंगे का भाग ही साधा कितना भी सहज बोलो सारे सुनया करते, आवाज़ तो कोई काढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं काटा था कोई भी आवाज़ उसके सांग में, कोई नहीं बोलिया था दबे हार दे सभा दब जाती, फिर क्यों करे बोलो ये सुन जाएगा, न्यू करके इसने मंगे तो बिगाड़ी, फिर यू बोला कि मैं भी कर लूँगा अपने सांग, बोला करेगा के सुसरे मेरे ये करेगा, इन्हें छो में न्यू कही यू अपनी नहरी बना ले को न्यू कुछ से न्यू कह दें बल लक्ष्मी का चेला भाई, इन्हें छो में न्यू कह दी तेरी ये नहीं कहूँगा, बस इन्हें फिर अपने सांग बनाए, वो 24-25 से भी बनाए सारे अपने बनाए। अच्छा दादा लक्ष्मीचंद जी ने कब तक सांग कराया? भाई वो 45 में गुजरे थे वो, अरे मैंने हम 2-3 महीने बीमार रह गए थे, आखिरी सांग कमास्पर का था उसका, मतलब कमास्पर फिर वो कराया नहीं था उसने, बीच में रह गया था, नहीं ऊँ लिया है उसने,
ये करण लाग गए चंदन अरे लोग पैट गए ने बोले भाई तदन लियाओ हम तो कोने देखे। फिर उड़ा घोड़ी ले गए वो बोले अरे भाई मेरे बस का कुछ नहीं। फिर वो बोले तू बैठा बैठा रही है बैठा बैठा रहा है कही है मना कुछ भी वो घोड़ी पर बैठा ले वो कुर्सी पर बैठ गया नहीं, नहीं तो लक्ष्मी तो कितने बैठा ही नहीं सांग में। लक्ष्मी जब खड़ा हो गया तकत पर बैठा नहीं। पन्याने ताराचंद का किस्सा कहा ना मतलब 24 घंटे में जो बोली थी 24 घंटे में अरे पन्याणिया चंदा था पिंड थे मारा चाचा ला गया था वो तो मर लिया बन में साल का होगा मरिया था उन्हें मैंने 12-13 साल मरे ने भी हो गए होंगे कम से कम 13-14 तो हो लिए होंगे न्योदा हमने खुद अपनी आँखें देखा है 12 बजे सांग ठाया था अगले दिन 12 बजे जय बोली थी बैठा नहीं सारी था अपनी रागनी का आर था चेला गान था उसकी भी गुआ आर था। अच्छा लंबा ठड्डा था मीडियम सा था वो होगा सारा ये मिन्या में 5 फुट 7 इंच के गेर से का। अच्छा उनके एक जो भाई उनके एक भाई का जिक्रा सुनया है पंडित लक्ष्मी चंद जी को एक भाई था कंगन कंगन था पहलवान था तो वो कुछ बदमाश टाइप का भी था कुछ है ऐसा ना कंगन बदमाश तो नहीं था दीपा था चोर वो उसका भाई था उसका भाई था छोटा दीपा चोरी कर लिया यार था वो कितना कर लिया होता वो उन्हें फंसवा दिया था सब बेमतलब ये पुलिस वाले नाम लिखे लिया रहा होता फिर लक्ष्मी के गवाह पा जाते ना गणे अगूढ़ा सांग करे था अगूढ़ा करे था न्यूज के गवाह पा जाते कई वो पकड़िया भी जा था अकेले इनका भी नंबर आ जाता भाई वो अंग्रेजा टाइम था उसमें सख्ताई भी थी। फिर तकरीबन आदमी जान गए थे लक्ष्मी ने भाई ठाडे थे भाई जेलदार थे एक तहसीलदार थे एक ठोड़ेदार थे अब भाई जो मुखिया आदमी हार थे इज्जतमंद है सेठ साहूकार है तकरीबन आदमी जान गए थे उसने उसका भाग्य ही ज्यादा बाद में बढ़िया ब्यौत भी हो गया था खूब बढ़िया बढ़िया ब्यौत होया दो दो अड़ाई खेती करी घोड़ी राखी नौकर दा चमार गा उन गया फिर तो ब्यौत हो गया था बढ़िया सांग में मतलब उस टाइम पर कहते 300 रुपये लेता हो एक दिन के 300 की लिया अर्धा रोज का और बुरा का देखे कितनी आओ घर की काटी और खांड हो यार जी उस टाइम पर। अच्छा दादा जैसे अब वो गुजरे तो उनको क्या हो गया था बीमार हो गए थे न्यू तो मन के भी रखे कितनी एज थी उनकी उस टाइम पर उसकी 42 साल की उम्र थी 42 का भी पूरा होया था कि ना होया था न्यू तो मेरा ध्यान भी नहीं उसके पर 42 से ऊपर तो था नहीं आखिरी हद थी। मैंने सुना है जब दादाजी की डेथ हुई जब वो गुजरे तो उनका जो लड़का था तोले राम बालक का था नहीं वो तो 5 साल का था उसके लड़के 2 हुए थे लक्ष्मी के क्योंकि वो एक भजनमन्यु का अर्धा अति व्रत धर्म के पालन के में याद वेद का लेख करे अतिथि सेवा दान पुण्य और सारे कर्तव्य नेक करे गौ ब्राह्मण साधु की सेवा शुभ कर्मों की देख करे और वेद रीत से ठीक समय वह पुत्र पैदा एक करे फिर त्रिकाल की संध्या करनी बीज धर्म का बो करके 10 और 12 साल की कन्या ठीक कर्म से टो करके वो न्यूकार 10-12 साल की कन्या की शादी कर दो भेज दो उसको 3-4 साल बाद शादी करो उसकी पुरस्कार औरत का वो घना फासला बता रहा इतना होना चाहिए ये भी एक प्रकृति के अनुकूल बता रहा वो क्योंकि जब औरत 40 साल की हो जाती है ना उसने मर्द की इतनी ज़रूरत नहीं रहती अगर हम उम्र हों तो मामला बिगड़ जाएगा पुरुष मत है 86 साल का हो उनका एज का इतना फासला हो जाना फिर उनके घर में क्लेश भी नहीं होता बहुत फर्क रहा है। तो उसका पुत्र एक उसने बताया पुत्र पैदा एक करे और लक्ष्मी का दूसरा बालक हो गया छोरा हो गया और वो कितना सांग करे था और उड़े का उड़ा आ रहा था जट्टी ये वो छोरा होते पर मनसा थोड़ा था ना वो बेरा लग गया उसने भी एक भाई लक्ष्मी का एक और छोरा हो गया उन्हें जा बताया उड़े उन्हें जाना था अपने काम में और सांग होने लग रहा था मतलब 4:30 का टाइम सा हो रहा था जब वो पहुँचा उड़े वो रागनी गान लाग रहा था लक्ष्मी उस टाइम पर जब हो गया
उन्हें तो खुशी में बताई ना दादा राम राम, इब राम रमी ने तो के गाल देना सो उसका बहुत उठ्यादा बजर तकत पर प्रोग्राम चल रहा था, क्यों बीच में बोलिया इतने आदमी आशीर्वाद क्यों बिगाड़ा तने, फिर राम रमी दी तो लेनी पड़ी एक राम राम, दादा तेरा भगवान ने एक और छोरा दे दिया बस छुटता, इन्हें बोला कि हम भी नहीं रहेंगे हरो भी नहीं रहेगा, न्यू का घर बैठ गया तकत पर, न कदे तकत पर बैठा ही नहीं लक्ष्मी, खड़ा हो गया तो बस जय बोल गया उतरिया है बैठा नहीं कदे तकत पर, वो छोरा मरिया फिर पहले लक्ष्मी मरिया और फिर वो मरिया, दो ढाई साल का हो लिया जब वो मर गया था। बाबा जी जैसे दादा लक्ष्मीचंद जी ने बहुत सारे खिस्से बहुत सारी रागनियाँ बहुत सारी कथाएं बनाई, पर आजकल पिछले कई साल तक एक रोड़ा चल रहा है, कई बहुत सारे कवियों का आपस में उनके जो अब उनके जो बच्चे हैं जो उनकी कमेटियां चलाव हैं उनके रोड़े चल रहे हैं, दादा की बातें भी हैं उनके शिष्य हैं, उनके जो शिष्य हैं रहे हैं उनके भी परिवार जो नुक हैं या दादा की बात कोने थी या तो मेरे बाबू की थी या मारे दादा की थी या फलाने की थी या धकड़े की थी, तो आपने सुनी है ना ये बातें हुआ है ना है। ऐसा है जो पहले पिंड जिया गई बन रही थी बात, जैसे यो भजन था भाई आज ही रात सकर से डरते होया पैर का तड़का, बिना जीव की काम निगा होया अचानक लड़का, ये भर्तु श्रेणियां बनाई थी, भर्तू जाट था सराहने का, लक्ष्मी तो बड्डा था उम्र में भी और सराहने लक्ष्मी सांग लेगा जा रहा था, उड़े नाई के सुनाई थी लक्ष्मी ने उसका धड़ाक मारा था क्योंकि छाप हुआ लक्ष्मी की लगी थी उस पर, और लक्ष्मी ने कही किसने बना रखी पहले ये बता, अगर दादा या भर्तू ने बनाई अगला बुला गया उन्हें, भर्तू का पोता खुद अड़े मारे काम में बता रहा था यह बात, भर्तू का पोता ये बात होगी दे ले चाहे मतलब ये बात होगी होंगी कम से कम भी 35-40 साल पहले की, और वो पोता था ना वो धोती वाला आदमी था, हाँ तो वो खुद न्यू बताओ था कि न्यू बनी थी, फिर वो बर्तन कर लग गया भाई तन्ना या जो रागनी बनाई वो पर बता के बनाया तने जो मेरा दादा बना दिया मेरी साहब क्यों लाई, मेरा दादा तेरी सरकारी मोर है, मारे नाम तो को गाओगा नहीं तेरे नाम तो गाओगे, बिला हम बताओगे नहीं बिला किस किसने बताओगा, बिला हमारे चेले नहीं बताओगे, ओ बिला 100 मतलब 50-40 कुछ तक गाओगे के घर घर बता गाओगे, बिला इसका जवाब दे रखा उस पर भी तेरी ये छाप ला रखी है, तन्यू छाप उसकी ला दें थे लेकिन फिर वो रिसर्च हुई ना वो बात निकाल दी गई, कुछ बात इबी भी दो चार रह रही हैं, जैसे जहाज गए में बैठ से ठहणी आई दिल्ली में फिर उठो जी मिले नंदगा भाई दिल्ली में, यह बात माई चंद की है और इस पर छाप लक्ष्मी की थी। यहाँ मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, दिल्ली का कौन सा जहाज समुद्र लग है जहाज में बैठ कर ये तो काल्पनिक चीजें हैं, ऐसा था ना आज भी आऊंगी जो कर आ जाओ है ना न्यू जवाहर जी मतलब समुद्री जहाज बंदरगाह तक आ गया वहां से अपनी गाड़ियों में बैठ कर आ जाओ, वहां से अपनी गाड़ियों में बैठ कर दिल्ली आओ घुमाना आओ रो तक आओ कितना जाओ, और जहाज सीधा दिल्ली में थोड़ा आ गया था वो तो जहाज में उड़े तो बैठ कर आएगी समुंदर में समुंदर जरा बंदर का उड़े था जहाज आ गया उड़े तो फिर वह सेठ लिया है उसने जो कर आज जहाँ सामान घुमाने का वीजा है बैरो तक का वीजा बेवाणी का वीजा बंदरगाह लोड हो जाएंगे अरे ट्रका में चले जा रेल में चले जा उड़े तो अपना समुद्री जहाज में कर दे है कि नहीं, तो ईब जो यो जो रोड़ा चल रहा है कवियाँ की छाप काटन का मारी है मारी है, पहले तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे ये कितना ठीक है? गलत है इब जो करे कोई हो इब जो कर सुल्तान की बात है छाप लक्ष्मी की लादी उस पर गलत है, मैं नहीं मानता ये बात अच्छी है बहुत गलत है ये बिल्कुल नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मैं तो सच पूछा ना मैं तो उसकी बदनामी मान रहा हूँ या लक्ष्मी की बदनामी मानो मैं या जोरा की बात पर छाप लावा लक्ष्मी की बदनामी है, क्योंकि लक्ष्मी की बातों में कमी नहीं है उन बातों में कमी पाओगी, और समझदार आदमी जब पकड़ लेगा या तो गलत बनाए रखी है, जहाज गए में बैठ सिठानी आई दिल्ली में फिर उठो होती मिलनगा भाई दिल्ली में मांग सिंदूर हटा कर राख रमाई दिल्ली में थैगी ना, जब लक्ष्मी रमवारा हुआ राख टापू में
वह टापू में रखो और रमवा रहा रहा के टापू में बाबा जी बना दी धर्मवाल की और उसने ठा के दिल्ली में बना दी मांग संदूर ठा गए राख रमाई दिल्ली में। गलत होगी ना तन्यू छा जाए कई एक बात अदला बदली हो रही है। राजा नलके में वो आया ना एक रागनी में जब राजा नल नवाब रहे थी राजा नल उठा नहीं और वो और राजा कहने लगे क्यों ना उठता भाइयो जब यू राजी नहीं तो क्यों गाल इसका माड़ा मारा गाल दो हमारे उसका दर दो दमयंती का। और राजा नल न्यू नहीं उठा जब तक देवताओं का आदेश नहीं मिले वो कैसे उठा बेचारा। वो उनका पायक ला ले दूत ला ले डरना ला ले ब देवता हाँ बद वो उठे नहीं तो आखिरी कलीम उसने कहा कि कड़वे बोल जगर में लागे जैसे पैनी करदपति तेरे बिरे में रात दिन रही पीली पड़गी दरदपति अंश के मुक्त बात सुनी मरा हो गया सीना सरदपति जो शरण पड़ेगी रक्षा करते वह अंदर सच्चे मरदपति। तो ये भी नके गाणी आई क्योंकर बनाइए या लैन तो आवे न्यो अगि दुख तो पार होने की खातरे ये नगाई ये तले का भी गाँव है इस दुख तो पार होने की खातिर लक्ष्मी चंद्र रट राम सिया राजा नल तो सतयुग में होया राम रसीता हो त्रेता बताओ कितो उदाहरण दे दिया। लक्ष्मी ने घर दा कहे लक्ष्मी चंद तन वरण की खातिर निस्दन तरफ है मेरा इया वो न्यू घर दा कहे लक्ष्मी चंद तन वरण की खातिर निस्दन तरफ है मेरा इया दिन रात मेरा इया न्यू तड़पता है जिस दिन से हंसने बात बताई है मकद बरू राजा नल ने हरि ने के कहा इस दुख तो पार होने की खातिर लक्ष्मी चंद्र राम सिया अरे राम सिया कितना आगे सतयुग में त्रेता में वो तन्यू ये गलत भी बना रहे हैं कहानी रंगा कर रहे हैं। फिर ये भी एक जगह बच्चाप सिंह के कहा उसने के पगड़ी थी राजपूत की तन तार बगा दी गाल में उसमें आई एक कली अक्तू बेईमान पेट की काली और ये गांव है मनीष मौके देखी बाड़ी और लक्ष्मी ने उकार दा टाट में देरी साठ दिवाली इब वह सैद 16 साल की और साठ दिवाली टाट में क्यों कर दी हमारे लिए ये गलत बात हो जाएगी लेकिन विद्वानों के लिए गलत कौन है ये। मऊड़ अंदर आने बैठे थे कई वो एक शास्त्री बैठा था मैं बोला माँ शास्त्री बता कौन सी बात ठीक है बोला मनीष मौके देखी बाड़ी टाट में साठ दिवाली दिन तो 60 साल की हो जाएगी मगा तू एक सेकंड में हम रहेगा या टाइट में देरी साठ दिवाली ठीक है बिला जी क्यों मगा मैं भराऊँगा बिला भराओ माँ कै साल हो गए तन पढ़ाते 10वीं 12वीं बिला मन हो गए 22-24 साल है माँ तजर्बा है व्याकरण का ज्ञान है बिला जी से मगाती से व्यक्ति अलंकार है हाँ बिला से है माँ फिर कौन सी ठीक हुई बिला यह है टाइट में देरी साठ दिवाली ये अति से व्यक्ति अलंकार है उसके अलंकार इतने ठाडे थे मतलब है कवल से नैन नाक सुवा सा सा और सुवा थोड़ा हो सा ये मतलब रूपक अलंकार है ईसा जिसा एक बात है अर्दा सा अर्दा अल्लाह नहीं अर्दा सा अल्लाह ये सा है ना ये रूपक अलंकार है इब अलंकार घर छंदा गा इन बेरा नहीं अठाक अपने दोरे तो कुछ मोड़ दें खुद मोड़ रहे ये अगमनी से मौका देखी बाड़ी एक दिन मैं मुड़ लाने को था मतन व्याकरण का ज्ञान सर है मगा ये विष्णु को था मैं मतन सर व्याकरण का ज्ञान बकवास कर रहा मगा उसकी बात ने शुद्ध करें बता कौन कर दिया उसकी बात ने शुद्ध बड़े बड़े आचार्य नहीं कर सकते उसकी बात ने शुद्ध अरे PhD है उड़ेगा बमनवास का बलमत BO था वो DO भी हो लिया होगा एजुकेशन का मास्टर है वो कोई सी बात नहीं और PhD कर रहा है मैंने हम घाट से ना होगा वो और रागनी यहाँ शौकीन है वो मतलब पार्टी है उसकी रेडियो स्टेशन पर कहा जा रहे हो बलमते मतलब उसकी भी समझ में नहीं आती बात इसी जी कह रखी है लक्ष्मी ने और गलत नहीं कह सकता। वेदों का उसने तीना प्रमाण दिया एक जगह पृथ्वी की नदियों में उत्तम गंगे धाम कहें से और सच्चा ज्ञान करण की खातिर ऋग यजु श्याम कहें से चौथे वेद का नाम क्यों नहीं लिया उन्होंने बताओ क्यों नहीं लिया तीन वेदा नाम लिया वेद कहे हैं चार हैं तीन थे वेद तीन ही थे चौथा वेद बाद में बनाया है उसने तीन वेदा प्रमाण दिया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद का उन्हें कोई प्रमाण नहीं दिया।
तो उसने ये कहा कि जी अथर्वेद श्याम वेद की ब्रांच है, मेरे द्वारा चार वेद रखे हैं, अथर्वेद के श्याम वेद के मंत्र मिलते हैं। किसने कहा? हरिसिंह ने, हरिसिंह मास्टर था, अड़े कलोई हरिसिंह उड्डा, ये तमन्ना बेराव जीव है मर लिया। बाबा जी जैसे आपने भी खूब रिसर्च कराया, दादा लक्ष्मी चंद जी है और आप उनसे काफ़ी प्रभावित भी रही, लेकिन आप आपने बताया था गाना गाने के लिए भाई गला नहीं था तो गा नहीं पाए, आपने प्रचार खूब कराया। हाँ मैं बस बताकार था, आदमी हो जन दे कट्ठे ब्याह शादी में दो से तीन से आदमी हो जा रहे, मैं तो बल्कि गली में कहा करता, किसी की बैठक में भी नहीं कहाता, बस दूसरा पड़ोसी ना आवे, किसी का ना जानता हो और गली साज लियो, कोई बैठ कर सुनो अपने लोग आई, बड़े शर्म भी ना आवे थी। अरे हरिद्वार टापू पर, हरियाणा टापू पर मैं खूब रोजाना घर था, उड़े तो मैं तेरह चौदह दिन टहर दा। अच्छा बाबा जैसे अब गाणिए भी थे, बढ़िया बढ़िया गाणिए, जैसे आपने नाम लिया मास्टर जी थे, पाले राम जी थे, राजकिशन जी थे, खूब गाणिए भी थे, तो आपने गाने बिन की फिर रागनी भी खूब सुनी होंगी जा जाकर। ना मैं कंपटीशन में जा रहा था कदे, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कंपटीशन है दो एक देखे होंगे तो एक बार मैं सवाल देखा था, एक बार कदे शुरुआत में बिदले देखा था थोड़ी आने, वो भी सारी रात ना देखा, हम तो 11:30 बजे आ लिए थे उल्टे, जब ये लोग आई भी ना गा रही, लोग थे। आपकी नज़र में हरियाणा में बढ़िया रागनी कलाकार अब सी पिछले 20-30 साल 40 साल तक कौन होया है? मास्टर सतबीर। और यादाश्त के तौर पर अगर देखें? यादाश्त भी सतबीर का खूब थी, बढ़िया थी। आज जो नए लड़के गांव हूँ जानो हो? नहीं नया मैं किसने जानो, बस सुने से न्योदा एक बप्पा सोर भी गया मैं, और फिर ये न्योदा सतबीर का छोरा भी गाँव है, वो स्वाद वाली बात नहीं ना, जो बात वे थी वे नहीं बनी भाई। ना वो मजा ही नहीं, मतलब रागनी का एक उतारो है, एक चढ़ाव है, कितांगा लाओ कितर ढड़ो, उनका को मतलब है नहीं गनखरिया, फिर जबान में रस हो है, फिर वार्ता का ढंग हो है, वो नहीं गनखरिया में। आपके परिवार में आपके बाद आपका कोई पोता या आपका लड़का कोई इंटरेस्ट रखे इन बातों में? ना 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 मारा कोई नहीं रखता कोई इंटरेस्ट, ना मारा तो बोर हो सके ये के कर लग रहा है, मारे वाला कोई इंटरेस्ट नहीं है, मारे वाला दुखी हो सक के कर लग रहा है, हमारे गाँव में शौक नहीं है इन चीज़ों का, हमारे गांव में सांग नहीं होते, मतलब जो आज 100 साल के हैं ना, 100 के भी 102 के 100 के तो ला ले कम तक कम, उन्हें सांग नहीं देखा, पहले सांग होया थे, पहले सांग ऐसा था कि सांगियों को बुलाया ही नहीं करता, क्योंकि नाच के थोड़े देर रोटी नहीं मिलनी थी, और ये कितो चल दें थे, हमारे गांव में 100 घर थे, 100 के भी 80 होंगे, और हमारे गांव में हमारा बाप ने कहा था 3 सांग आ रहे थे, को बुलाओ था इन्हें 80 ग्राम 3 सांग रोज व्यार दे, बहु नन्नी साग रोटी मिल जाती पक्की, काम तो नाचो गा ले, घी बूरा ग्राम थी खांड काट लें थे, और घी डांगर रखे आए घर थे, रोटी आएगी सांसा हो यार दी, उस टाइम पर रोटी नहीं मिलेगी, हमारे टाइम पर ऐसा दुख था गए मंडे थे ना क्यों आगे, वो हम कह दें थे मगा दिए माँ बेला बटे उन खा लें थे पहले, वो फिर ऊपर जानती 2-3 मंडे 4 मंडे वो फिर मिल जा रहे हमने, चने का जोर ज़्यादा था ना, गरीब चना टोया नहीं पा रहे, हाँ ये तो चना मन का दाग हो गया, ये तो चने की मुश्किल होगी, पहले चने का ऐसा सिस्टम था जो यो गेहूँ का तूड़ा नहीं था, इसमें चने रड़ा के बेच दें थे, फिर अगले दिन बेरा लाग जा चना दिख जा, फिर वो तूड़ा ही छोड़ जा यार दे नौकार दे तू चने में ले रखे, क्योंकि चना सस्ता था तूड़ा महंगा था और उसमें बोझ बन जाता था, फिर वो झूठ भी बोलते बेचारे, अगर आंधी आ गई थी वो उड कन्यून चले गए तूड़े में न्यूरल भेस हैं, बिला नाना रड़ा रखे वो छोटे जा थे, क्योंकि चना सस्ता था तूड़ा महंगा था। तो जैसे आज बाबा जी हम आपके पास आए, के घर पे आए, आपसे बात करी, इस तरह से ये होने चाहिए, आप जैसे जो और भी हैं उनसे मिलना चाहिए, ज़रूर है, मन तो आपका एहसान मान्या है मेरे द्वारा आए, आदमी आपस में ना है मिला तो आदमी क्या हो, समाज तो एक दूसरे से जुड़ना समाज और है क्या,
न्यू चले जाए कुआड़ पत्थर लूट के, कोई जान जाएगा उन्हें? कोई नहीं जानेगा उन्हें, वो तो नाच गाने की मशीन है भाई। जैसा कि बाबा जी के पास आज आए, बाबा जी ने इतना समय दिया और बड़ी गहरी जानकारी सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के जीवन के बारे में हमें दी, बहुत अच्छा लगा। और मैं बाबा जी का एहसान मंद रहूँगा, इतनी गहरी गहरी बातें हमें बताई और बाबा जी के स्वास्थ्य की कामना करेंगे और इनका परिवार आगे कुशल मंगल और सुखी रहे, ये भगवान जी से हम दुआ करते हैं। तो बाबा जी धन्यवाद और इतना प्यार देने के लिए और इतना मान करने के लिए। भाई देख प्यार प्यार कुछ ना, प्यार तो हम थारा ही मान रहे, तुमने मेहनत करी यार मेरे द्वारा आने की, मैं तो जान मान रहा हूँ तारा। अरे के ले जाना है मलिक साहब, न्यू चले जाएंगे, या जिंदगी है ना इतना जीव है इतने से, मरने के बाद कुछ नहीं, कुछ नहीं, मरने के बाद नाम भी नहीं लेता को, अपने दादाए का नहीं लेता, अपने बाप का ही नहीं लेता, रोला है जिंते जी का। जैसा कि भाई आज बाबा जी के पास आए, इनके दर्शन हुए और बाबा जी ने इतना अध्ययन कराया है सूर्य को भी पंडित लक्ष्मीचंद जी को, तो उनका एक कोई भजन, कोई रागनी, कोई उनकी बात सुनने के इच्छुक हैं हमारे दर्शक भी चाहोगे तो प्लीज़ बाबा जी। तो एक बात में बताया कि भाई ये पुरुष की मूर्ति पृथ्वी जल और वायु तेज आकाश तो ही, प्राण समूह छिद्र में रहता आत्म का प्रकाश तो ही, प्राण वायु आकाश और छिद्र अंतर में रहता जन है तू, ब्रह्मलोक में सृष्टि रस्ता ऐसा आत्म घन है तू, ब्रह्म विभूति प्रजापति और विष्णु विभूति मन है तू, इन सब के संयोग से मिलकर पिंड ब्रह्मांड मिलन है तू, तू ही रस्ता तू ही पालन करता जगत का नियम विनाश तू ही, प्राण समूह छिद्र में रहता आत्म का प्रकाश तू ही, अहम पुरुष में लोक में इंद्र पुरुष बीच आदान कहा, पिंड जी खोलते हैं कहे बंदे जैसे तेरे अंदर विकार हैं, जिसको देव लोक कहते हैं ना, जहाँ देवता वास करते हैं, देवताओं का राजा इंद्र, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार यहाँ हैं, उड़े भी नहीं हैं, तो दोनों साइड का कंपटीशन करते हैं यहाँ का और वहाँ का, कि अहम पुरुष में लोक में इंद्र पुरुष बीच आदान कया, लोक में सूर्य पुरुष में शक्ति लोक में रुद्र ढंग नया, रोष पुरुष में शशि लोक में पुरुष बीच आनंद सया, वसु लोक में सुख है दुख से सोसो कोसो दूर गया, जैसे वो ब्रह्म लोक में सृष्टि रस्ता गर्भाधान में खास तो ही, प्राण समूह छिद्र में रहता आत्म का प्रकाश तो ही, जितने लोक में तारा गण है पुरुष में उत्साह बहुत गणी, लोक में विशुद्ध पांच विषय हैं पुरुष में इंद्री दस जनी, लोक में छाया अंधकार ने पुरुष में मोह की तेग धनी, जैसे लोक बीच एक ज्योति है वैसे पुरुष बीच एक ज्ञानमणि, अश्विनी कुमार लोक में जैसे सुंदर कांता वास्तु ही, प्राण समूह छिद्र में रहता आत्म का प्रकाश तो ही, सतयुग बचपन त्रेता यौवन द्वापर युग हो वृद्ध समय, कलयुग रोगी अंत में मरना जो सूक्ष्म के बीच रमे, इसी प्रकार लोक पुरुष में ये अंग उखड़े कभी फेर जमे, वेद शास्त्र उपनिषदों से कुछ ऐसी मिलती खबर हमें, कह लक्ष्मी चंद्र टो सर्वव्यापक कहीं दूर नहीं है पास तो ही, प्राण समूह छिद्र में रहता आत्म का प्रकाश तो ही। जैसा कि बाबा जी ने इतना ज़बरदस्त दादा का ये भजन सुनाया तो मैं दादा बाबा जी का एहसान मानू हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों से हम मिल रहे हैं, तो बाबा जी आशीर्वाद दो और आगे भी हम ऐसे ही प्रयास करते रहोगे, शायद आपसे भी जल्दी दोबारा मुलाकात हो और ऐसे ही महान जो महापुरुष हैं उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगे और वह किसी खास शख्सियत से आपकी जल्दी से जल्दी मुलाकात अपने चैनल पर कराते रहोगे। तो भाई सारे भाई चैनल ने थोड़ा प्यार प्रेम देते रहा अगरो, जो वो बातें हुआ करें वो सारा अपना जैसा भी है वो कर लिया करो, तो बाबा जी मैं चाहूँगा एक प्यारा सा आशीर्वाद और राम राम हमारे दर्शकों को। बिल्कुल भाई मलिक साहब, मैं तो भगवान से तेरा से दूने का चुगने का सौ गुना हो और खूब मिल रहे हैं हमें, भाई तेरा चैनल बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, लोग सुने अच्छी डाला और ज़्यादा वो हो, हम तो बहुत खुश हैं और मैं तो भगवान से दुआ करूं भाई दिन दूनी रात चुगने तेरा यस हो। बाबा जी एक तगड़ी सी राम राम हमारे दर्शकों को। भाई राम राम सब दर्शकों को, अगर हमारी कोई गलती हो तो भाई माफ़ करना। सारे भैया ने राम राम भाई, जय हरियाणा जय हरियाणवी जय हिंद।